8 साल से यही हालत देख रहा है मैंने के रोड पे कभी रोड बन नहीं पाई। स्कूल बनवाना है क्योंकि स्कूल का सब कुछ टूटा टूटा है ना। यहाँ पे हम लोग रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। ये कभी बनी ही नहीं है, ये ऐसी ही है। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, कमाई नहीं हो रहा है, खर्चा ज्यादा है। देखिए माहौल किसी का भी हो लेकिन इस बार इंडिया लाइन जा रही है। स्टूडेंट की मांग यही है कि आप रोजगार दीजिए हम लोगों को। और हमको लगता है कि कन्हैया कुमार यदि आएंगे अल्टीमेटली फाइनली साइन तो एलजी ने करना है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाएं। सरकार से कोई फ्लोट मिल जाए, कोई बच्चे की अच्छी शिक्षा मिल जाए, कोई अच्छा काम बच्चों को मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। हमारी मौजूदगी है दिल्ली के एक और इलाके में जिसका नाम है वजीराबाद। वजीराबाद में विकास के नाम पर हमें दिख रहा है यहाँ पर बनता मेट्रो स्टेशन और यहाँ की टूटी हुई सड़कें। यहाँ पर इतनी धूल है कि यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम जानेंगे यहाँ की जनता की राय क्या है और यहाँ की जनता क्या चाहती है अपने सांसद से। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है। कहाँ से हैं आप? वजीराबाद से। वजीराबाद से क्या बना रहे हैं अभी? समोसे बनाते हैं। समोसे बनाते हैं। क्या मुद्दा है आपके? क्या मुद्दा है आपके यहाँ का? हमारे यहाँ मतलब सही है, कोई काम नहीं कराना यहाँ? कोई नहीं काम, हमें काम कराना क्यों नहीं है? क्या काम कराना? वही हम सही कराना है। और ये सारी व्यवस्था सही करानी है क्या है? तो यहाँ पर आते हैं लोग, कितने आते हैं, मतलब कैसी चलती है आपकी दुकानदारी? दुकान बहुत अच्छी चलती है। अच्छी चलती है, अच्छे से लोग आते हैं। अच्छा, आपके मालिक है अंदर? अंदर मालिक साहब तो भाई। आप बताइए आपके मुद्दे क्या है यहाँ पर? यहाँ पे आप तो देख रहे हैं हालात, देख रहे हैं कैसे हो रहा है इनके रोड के। 8 साल से यही हालत देख रहा है मैंने के रोड पे कभी रोड बन नहीं पाई। अब ये धूल मिट्टी उड़ेगी कहाँ से? कस्टमर आए, दुकानदारी परेशान होते हैं इससे। यहाँ के जो भी वो है ना, कुछ काम नहीं करवाते। धूल मिट्टी की वजह से यहाँ पे कस्टमर नहीं आते हैं? धूल मिट्टी कोई दुकानदारी नहीं हो रही किसी की भी, खाली बैठे हुए यहाँ पे तो सारे। अच्छा। लोग और क्या है? कौन है सांसद? पता नहीं, कोई सांसद पांडे है। कौन है? कोई पांडे नाम का है कोई सांसद यहाँ का? हाँ जी, सांसद की वजह से हमें पता नहीं बारे में, क्योंकि हम यहाँ के नहीं रहने वाले, हमें टावा के रहने वाले। क्या नाम है आपका? प्रीति। किस क्लास में है आप? सेकंड में। सेकंड में। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर बताइए। नहीं पता आपको? पता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, आपने देखा है नरेंद्र मोदी को? नहीं देखा है, टीवी में नहीं देखा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो आप क्या बोलेंगे उनसे? आपको क्या चाहिए? मेरे को? हाँ? मेरे को स्कूल बनवाना है। स्कूल बनवाना है, क्यों? क्योंकि स्कूल का सब कुछ टूटा टूटा है ना। सब कुछ टूटा टूटा है, जोर से बोलिए। थोड़ा तेज बोलो। सब कुछ टूटा टूटा है स्कूल में? हाँ। तो बोलिए, मोदी जी से बोलिए हमारे लिए स्कूल बना कर दे। हमारे लिए स्कूल बना कर दीजिए। हाँ। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हमारे लिए स्कूल बना कर दे। स्कूल बना कर दे, है ना। बड़े होके क्या बनना चाहती हैं आप? बड़े होके पुलिस। पुलिस? अच्छा, फिर चोरों की पिटाई करेंगी? बहुत बढ़िया। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वजीराबाद गली नंबर 2। वजीराबाद गली नंबर 2। हाँ। स्कूल जाते हैं? हाँ। अच्छा स्कूल है आपका? हाँ, अच्छा है। अच्छा है वहाँ? हाँ। पे दीवारें हैं, क्लासरूम्स अच्छे हैं, टूटे फूटे नहीं है? नहीं, टूटे फूटे नहीं है। वॉशरूम है? हाँ। अच्छा। हाँ। क्या पढ़ाती है मैडम? याद नहीं। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, देखा है उनको? नहीं, टीवी में नहीं देखा है। देखा है, देखा है। फिर क्या हुआ? आप किस क्लास में? सेवन्थ क्लास में। आपका स्कूल ठीक है? यस मैम। अच्छा स्कूल है आपका? कोई परेशानी है यहाँ पर आप लोगों को, बच्चों को? नो मैम। यहाँ पर बच्चों के लिए कोई परेशानी नहीं है? नहीं। बताइए, नहीं है? आप लोग सब लोग स्कूल जाते क्या? बड़ा, सबसे बड़ा। बड़े होकर क्या बनेंगे बताइए? आर्मी। नहीं, ये आर्मी तो इन्होंने बोला, आप क्या बनेंगे? आर्मी आर्मी में जाएंगे। और आप क्या बनेंगे? आर्मी। सारे आर्मी में जाएंगे?
कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? नहीं। हाँ? नहीं। आंटी बनेगी। बोलिए बोलिए। आंटी बनेगी। किसी को डॉक्टर, टीचर, किसी को नहीं बनना है? मुझे पुलिस बनना है। आपको पुलिस में जाना है? आपको भी पुलिस में जाना है? आर्मी। हाँ? आर्मी, वो तो कालू भालू। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हमारे साथ यहाँ पर हैं कुछ महिलाएं, हम इनसे जानेंगे कि इनके क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं। मैम आप बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम, तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? यहाँ पर मतलब विमेंस के लिए। हाँ, विमेंस के लिए मतलब सेफ्टी नहीं है ज़्यादा यहाँ पर। सेफ्टी नहीं है यहाँ पर, हम लोग रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, थैंक यू। और उसके अलावा और क्या है महिलाओं के लिए? यहाँ पे महिलाओं के लिए रोज़गार नहीं है। ट्रैवल यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार DTC बसेस चला रही है, महिलाओं के लिए फ्री कर रही है, तो आप लोगों ने कभी उसका एक्सपीरियंस किया है? तो बढ़िया है वो बसेस, सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है। अच्छा, महिलाओं के अलावा यहाँ पे क्या मुद्दे हैं वजीराबाद में? मतलब यहाँ पे रोड्स का कंस्ट्रक्शन अगर एक बार चालू होता है फिर वो चालू ही रहता है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो ये रोड जो हम देख रहे हैं जो आधी टूटी है आधी बनी है, तो ये बन रही है या बन के बिगड़ चुकी है? ये कभी बनी ही नहीं है, ये ऐसी ही है। अच्छा, हाँ जी। कितने सालों से ये ऐसी हो गए होंगे? 6-7 साल तो हो गए इसको। कौन, आपको पता है कौन लड़ रहा है आपके यहाँ से? मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बारे में आप क्या बोलेंगी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बोलेंगी? भैया कहाँ से आते हैं? झारखंड से आया हूँ। वोट कहाँ डालते हैं? वोट ये दिल्ली में डालते हैं। दिल्ली में वोट डालते हैं? हाँ। कौन सांसद है? सांसद मनोज तिवारी। उनके अलावा कौन है यहाँ से खड़ा? कौन है उन्हें से अलावा? कन्हैया कुमार है कांग्रेस का, निर्दलीय। निर्दलीय नहीं है? हाँ, वो गठबंधन है। हाँ। गठबंधन है। तो क्या है यहाँ का माहौल, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? नहीं, ज़्यादा तो मनोज तिवारी का ही है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं मनोज तिवारी ने विकास नहीं किया है। नहीं किया, क्यों नहीं किया विकास? बहुत विकास करी। फिर ये सड़क क्यों नहीं बनी है? विकास किया है तो? अभी तो सीवर डल रहा है, सीवर ही डल रहा है इसमें। सीवर डलेगा तभी तो रोड बनेंगे। अच्छा, कब तक बन जाएगी? बन जाएंगे 1-2 महीने के अंदर। और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? महंगाई, बेरोजगारी? बेरोजगारी तो बहुत है। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, कमाई नहीं हो रहा है, खर्चा ज़्यादा है। इतनी बड़ी सब्जी की दुकान है आपकी, फिर भी आप कह रहे हैं कमाई नहीं हो रही है? सब्जी की दुकान आधी बिकते हैं आधे सड़ते हैं। अच्छा, आधी तो फेंके जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसे उनका गर्मी ज़्यादा है, गर्मी की वजह आधा सड़ जाता है, आधा बिकता आधा सड़ जाता है, वो तो घाटा लग जा रहा है। कन्हैया कुमार पर क्या बोलेंगे आप? कन्हैया कुमार तो पहली बार तो खड़े हुए हैं, वो उसके बारे में तो जानता भी नहीं हूँ। तो मौका देंगे पहली बार जो खड़े हो रहे हैं, नए हैं, युवा चेहरे हैं? अरे हम तो BJP का कैडर है, BJP का ही वोट देंगे। चलिए ठीक है। क्या है यहाँ का माहौल, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? देखिए माहौल किसी का भी हो, लेकिन इस बार इंडिया लाइन जा रही है। इंडिया लाइन जा रही है जी? इंडिया लाइन सत्ता में थी जो आप कह रहे हैं इंडिया लाइन जा रही है? थी तो नहीं, लेकिन इस बार हम लोग बहुत प्रबल, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग अपनी मांग उठाएंगे। क्या मांगे स्टूडेंट्स की यहाँ? स्टूडेंट की मांग यही है कि आप रोजगार दीजिए हम लोगों को। आप सब स्टूडेंट्स हैं? यस, हम सभी स्टूडेंट हैं। हाँ। और आप देखिए RO का पेपर हुआ, हम लोग एक जो है एस्पिरेंट है यहाँ पे। RO का पेपर हुआ वो लीक हुआ, UPP का हुआ वो लीक हुआ, 17 मार्च को PCS का पेपर होना था, अभी तक उसकी ऑफिशियल डेट नहीं। क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप अभी? हम लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर तो नहीं लगते हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं है। हाँ। फिर क्या क्या मांगेंगे अगर जो भी यहाँ से सांसद बनता है? हम लोगों को रोजगार चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग युवा हैं, युवा रोजगार की बात करता है और कुछ नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो 1 साल के लिए युवाओं को रोजगार देंगे। 1 साल के लिए हम लोग क्या करेंगे फिर? नहीं तो मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि अग्निवीर जो अग्निवीर जो स्कीम है उसमें भी कुछ टाइम के लिए युवाओं को रोजगार मिलेगा। फिर नहीं, 5 साल करने के बाद फिर क्या करेंगे वो? वो 1 साल करेंगे, 1 साल में हमको वो जो है ट्रेनिंग भी देंगे उसमें। हाँ। और उसमें आप 1 साल की आप उसमें ट्रेनिंग भी देंगे, उसके बाद उसको उसमें पैसा भी देंगे। उन्होंने बताया कि वो जो ये प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी वो उनको जो है देंगे। है कोई पहचान में आपका जो अग्निवीर अभी तक गया हो? हाँ, कई सारे हमारे फ्रेंड हैं। रोजगार मिला उनको? बिल्कुल, 5 साल के लिए मिला, लेकिन 5 साल बाद क्या करेंगे वो? सोचा आपने कुछ? सोचा 5 साल के बाद वो क्या करेंगे? नहीं तो अब वो बताए ना, हम युवा है, वो युवा है, 5 साल तो उनको पैसा मिलेगा, उसके बाद फिर वो क्या करेंगे? बेरोजगारी के अलावा क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? बेरोजगारी यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दा है, उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा है क्या, यहाँ पे अंधभक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गया है। BJP के द्वारा जो अंधभक्त को बढ़ाया क्या क्या किसके प्रति अंधभक्त?
बीजेपी जो है बस हिंदू मुस्लिम करके अंधभक्ति द्वारा और रोजगार की एक भी बात नहीं करते। अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने रोजगार की बात नहीं की। कहीं पर भी उनका स्पीच सुनता हूं तो बस यही प्रधानमंत्री तो बोले हैं जिस दिन वो हिंदू मुस्लिम करेंगे उस दिन उनका जीना असंभव है। वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री बोलने के पीछे उनका जो मेन मुद्दा है वो धर्म की स्थिति पर है। अपना देश चलाना चाहते हैं। अच्छा। उसके बावजूद वो रोजगार को ना ही बढ़ावा दे रहे हैं और ना ही कुछ कर रहे हैं इसके, और ना ही वो एक मैं कन्हैया कुमार को देख रहा हूँ जो युवक हैं, और हमको लगता है कि कन्हैया कुमार यदि आएंगे तो हमारे जैसे युवक के लिए अच्छा काम करेंगे। हमने यहाँ पर कई लोगों से बात की, कई लोगों से जाना, यहाँ पर विकास और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं आपको बता दूं हम देश की राजधानी में खड़े हैं, देश की राजधानी जिसका नाम दिल्ली है। दिल्ली इंडिया गेट, चांदनी चौक, कुतुब मीनार, इन सारी वजहों से तो बहुत जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे देश की राजधानी की हकीकत, जहां पर एक वजीराबाद बहुत बड़ा इलाका माना जाता है और आप देख सकते हैं बारिश का कोई नामो निशान भी नहीं है, लेकिन बारिश के बावजूद भी यहाँ पर कीचड़ फैला हुआ है, यहाँ पर सड़कें नहीं बनी हैं, इतना सारा यहाँ पर मलबा फैला हुआ है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और लोगों का यही कहना है कि जो हमें विकास करवा दे हम उसको वोट देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पहले कौन यहाँ का विकास करवाने वाला है। नेता आता है, नेता बड़े बड़े वादे करके जाता है लेकिन विकास जहाँ का तहाँ रह जाता है। हम यहाँ पर एक कूलर व्यापारी की दुकान पर है, हमने यहाँ से जाना कि यहाँ पर ये कूलर बिकते हैं और गर्मियों में यहाँ पर कूलर बेचे जाते हैं और यहाँ पर ठंड जब आती है, बरसात का सीज़न आता है तो फिर ये कपड़ों के रिटेल में इसको बदल देते हैं। महंगाई का मुद्दा जी हाँ, महंगाई का मुद्दा। विकास 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 तो हो ही रहा है, महंगाई लोग बहुत परेशान है कारोबार से। हाँ। तो महंगाई का असर आपकी दुकान पर भी पड़ता है? वो तो सब पे ही है मैम, सब पे ही। कितना असर, मतलब कैसे आप लोग महंगाई का असर कितना कैसे आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं? भाई बहुत ज़्यादा मुद्दा है, जैसे हर सीजन में काम होता था कुछ भी काम नहीं है, जैसे 100% में से 50% भी काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी। तो कूलर के रेट भी आपने महंगे कर दिए? रेट तो महंगे नहीं है, रेट तो सस्ते है, कस्टमर नहीं है। अगर आपके रेट सस्ते हैं तो फिर कस्टमर क्यों नहीं? कस्टमर है ही नहीं, लोग बहुत परेशान है, परेशान है कारोबार से, तो इतना कस्टमर है नहीं, तो इस टाइम तो फुर्सत भी नहीं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है इस वजह से वो बाजार। यहाँ तो कारोबार नहीं है तो जब तो पैसे नहीं है। यहाँ पे विकास दूसरा मुद्दा होगा? नहीं, विकास तो हो रहा है, सब आपके सामने सब काम हो रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं सड़कें खुद ही डली हैं, नालियाँ खुद ही डली बन रही है ना, ये विकास है। अच्छा, जो सड़कें बन रही है, सड़कें खुद ही नहीं है, ये सड़कें बन रही है, खुद के ही तो बनेंगी ना, खुद रही है बन रही है, गली में अंदर सड़क पे सब जगह। दो साल से बनी नहीं है, अब बन रही, अभी आ गया ये खुदाई का, ये काम चल रहा था सीवर का, ये रुक गया है, ये अभी पूरा नहीं हो पाया। आए यहाँ के सांसद, आए यहाँ का दौरा करने? नहीं अभी तो नहीं आया। अच्छा जी, तो कन्हैया कुमार के ऊपर आप क्या बोलेंगे? बस काम तो अच्छा करते हैं मगर इस टाइम अभी इधर कोई दौरा नहीं होगा। हाँ। हम तो चाहेंगे कन्हैया कुमार काम अच्छा करते हैं, एक दौरा यहाँ का करें। क्या काम किया है कन्हैया कुमार का, क्या काम आपको अच्छा लगा है जी? क्या काम आपको अच्छा लगा है कन्हैया कुमार का? भाई अभी तो वैसे देखो निर्माण जो सड़क का हो रहा है वो चालू हो गया था, सब कुछ था, मगर ये कोई कोई ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ कि वो काम रुक गया, आके चालू करें। हाँ। जी वो आए यहाँ पे देखें पानी का, जैसे पानी की सप्लाई। कल कन्हैया कुमार एक जगह रैली कर रहे थे और वहाँ पर किसी ने उनको थप्पड़ मार दिया जी, तो जी। आप इस पर क्या राय रखते हैं? भाई वो तो देखिए गलत कर रहा है हर, अब ये पॉलिटिक्स जो हर जगह ये हो रहा है, कोई किसी को सही बता रहा है, किसी को गलत बता रहा है, यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर ये है कि दौरा उन्हें करना चाहिए, अब साल में इलेक्शन में हर आदमी करता है, मगर अभी उनका ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे वो आए दौरा करें, काम वाम वैसे करते हैं। सर आप बताइए यहाँ पर कैसा विकास होना चाहिए? विकास दिल्ली में ठप है, बिल्कुल ठप। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में कौन है? केंद्र में भाजपा की सरकार कौन है? भाजपा की सरकार। केजरीवाल किसके अंडर है? केजरीवाल तो स्वतंत्र है ना, एलजी के अंदर। केजरीवाल अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था, केंद्र सरकार ने उसी रात बदल दिया था। नहीं तो केजरीवाल अगर चाहे तो यहाँ का बहुत सारा विकास करवा सकते हैं। केजरीवाल चाहते बहुत कुछ है पर होता कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनली साइन तो एलजी ने करना है, कोई और तो करेगा नहीं। एलजी किसके अंडर आते हैं? गृह मंत्रालय, अमित शाह, दैट्स ऑल। केजरीवाल अभी जेल से बाहर निकले हैं, अब वो जेल को 2 तारीख को फिर से जेल में चले जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे इस पर?
देखिए ये तो कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है तो वापस भी लेगा। आप क्या मानते हैं, केजरीवाल दोषी हैं जिस केस में वो अंदर गए थे? अभी ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना, हम आप तो तय नहीं कर सकते। आधे लोग कहते हैं फर्जी केस है, केजरीवाल कहते हैं फर्जी है, केंद्र सरकार कहते हैं नहीं रियल है। जनता की क्या राय है, आप लोगों की क्या राय? जनता की मिली जुली राय है। अच्छा। जो उनके फेवर में है वो कहते हैं फेक है, फेवर में नहीं है वो कहते हैं रियल है। तो आपके हिसाब से शराब नीति बढ़िया थी या नहीं थी? ये बहुत हाई लेवल के मामले हैं, आम जनता को तय करने का कोई हक नहीं है इसका। नहीं, लेकिन शराब नीति निकाली तो आम जनता के लिए थी। ये आम जनता के लिए नहीं है, पैसे के लिए निकाली गई थी। कुछ अब पैसा अब अगर आप पैसे की बात कर रहे हैं तो फिर वही बात आएगी, जिस सरकार ने निकाली थी वही सरकार पैसा भी खाएगी। हाँ बिल्कुल। तो फिर केजरीवाल की अगर आप कह रहे हैं कि नीति पैसे का बात है तो फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है? गलत हो, नीति हो सकता है वो सही हो, लेकिन ये पक्की बात है कि पैसा केजरीवाल ने नहीं खाया। लेकिन सरकार तो उनकी है ना, नीति भी उनकी है, सरकार भी उनकी है, फिर कौन पैसा खाएगा? सरकार उनकी है, नीति उनकी है, लेकिन इसका मतलब क्या वो पैसा खा जाएंगे? अगर उनकी सरकार नहीं होती तब आप ये सवाल उठा सकते ना। हाँ। सरकार उनकी, नीति उनकी, तो फिर बीच में कौन पैसा खाएगा? कौन पैसा खाएगा, सोचिए कौन है खाने वाले? आप बताइए, रियल में खाया गया? आपके पास कोई सबूत है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत पेश किया? नहीं। स्पेशल सेशन कोर्ट में पेश किया कोई सबूत? नहीं। कई सबूत है तो दिखाओ ना भाई, इतना बड़ा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कन्हैया कुमार पर क्या बोलेंगे? देखिए अभी मौका मिले उसे तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो मौका ही नहीं मिला ना, कोई पार्षद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, सांसद तो बहुत दूर की बात है, अभी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप ही लोग ना देंगे मौका कन्हैया को भी? हाँ हाँ बिल्कुल, जिसका मन करे वो वोट देगा। आप बता पाएंगे मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बारे में? मैं उनके बारे में नहीं जानती, कुछ नहीं जानती हैं आप दोनों के बारे में? मनोज तिवारी के बारे में जानती हूँ, वो एक्टर रह चुके हैं, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, पर कोई भी काम तो करता नहीं है। कोई काम तो करता नहीं है, बस यहाँ पर जितनी भी गली में आप जाओगे ना, सारे कहते हैं सड़कों का निर्माण करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं, नालियों का निर्माण, थोड़ा सा काम किया फिर रोक दिया। किसी आप फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं नहीं, मैंने कम से कम 7-8 बार वोट डाल चुकी हूँ। अच्छा। पर मैं तो केजरीवाल को ही वोट डालूंगी, क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल भी माफ़ किया है, महिलाओं के लिए बसों में भी फ्री बस सेवा करी है। आपको पता है केजरीवाल क्या यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? लड़े ना लड़े, पर उन्होंने जितना काम किया है और बाकी सहूलियत तो है ना, हमें बस में आने जाने की सुविधा है। हम बस में क्या सुविधा है महिलाओं के लिए? DTC बस फ्री टिकट से और सीट भी आराम से मिल जाती है, कोई परेशानी नहीं है, बिजली के बिल उन्होंने माफ़ किए हैं, और ये सबसे बड़ी बात है ना, और कर ही रहे हैं, और अगर वो यहाँ आ गए तो ये सड़कें भी बन जानी है। अच्छा, अगर आप कह रही हैं कि केजरीवाल अगर यहाँ आ जाते हैं तो ये सड़कें जो है बन जाएंगी? बन जाएगी, बहुत ही। बुलाएंगे फिर केजरीवाल को? हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाएं। हमारे साथ एक अंकल है जो छोटे समोसे बेच रहे हैं, दिल्ली में छोटे समोसे काफी फेमस है, क्या रेट है इनका? 10-4 है बेटे। 10-4 है? 10-4 बेच रहे हैं। फिर आप कितना कमा लेते हैं 10-4 बेच कर? 200-300 रुपए बन जाता है बस बेटे। कहाँ से आते हैं? झड़ौदा से बेटे। अच्छा, झड़ौदा से आ रहे हैं। यहाँ के मुद्दे क्या है? तो और क्या, यहीं पे आके बेच लेते हैं हम, पहले यहाँ पर चिल्के आते थे बेचते। कब से हैं आप यहाँ पर? मेरे को 16-17 साल हुए जी। आप 16 साल से एक ही जगह पर समोसे बेच रहे हैं, आपने कोई और काम करने का नहीं सोचा? नहीं, और कौन काम करी बच्चे पे? घर में कोई है आपके? कौन कौन है? 2 लड़के हैं। हाँ? घरवाली बस। अच्छा। हाँ। और इसी छोटी सी दुकान से आपका घर चलता है? नहीं, और लड़के तो नौकरी कर रहे हैं, बच्चे इससे नहीं चल रहा है, लड़के तो करे बंद कर दो, इसमें कोई फायदा है नहीं, कुछ जब नहीं बच रहा है तो। नहीं तो इसी से ना कमा कर आपने लड़कियों को पढ़ाया होगा? हाँ, इसी से बच्चे। हाँ। इसी से पढ़ाए थे। क्या कहेंगे मनोज तिवारी के बारे में? क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे, ठीक रहेगा मनोज तिवारी के बारे में। वोट देने जाएंगे? हाँ, वोट तो पड़ेगा बेटे। 25 तारीख को वोट देने जाएंगे? हाँ हाँ, अपने बीजेपी सरकार को। किसकी हवा है यहाँ पर? बीजेपी सरकार की है अपनी, बीजेपी सरकार। कन्हैया कुछ करेंगे यहाँ पर? अब आए के वो करें जो करना है जी, हम लोग तो वोट अपने वहीं को देते हैं बीजेपी में। जैसे रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, काम की समस्या है। आप क्या करती हैं तो अभी? अभी बर्तन का काम करते, पुराने कपड़े बेचते हैं।
बर्तन बेच के पुराने कपड़े लेते हैं। कितना कमा लेती है दिन भर में? दिन भर में 100 भी बन जाते हैं, 150 बन जाते हैं, 200 भी बन जाते हैं। कैसे काम करता है आपका बर्तन वाला? बर्तन वाला हम उठा के पूरे दिन गलियों में घूमते रहते हैं और लोगों से पुराने कपड़े लेते हैं और उनको बर्तन देते हैं। कितने मतलब कितने कपड़ों में एक बर्तन देती हैं? 7-8 कपड़े हो, 10 कपड़े हो, 15 कपड़े हो, उतने में दे देते हैं। अच्छे कपड़े या कैसे? अच्छे नहीं, जैसे पहने हुए कपड़े हो, पुराने कपड़े, हाथ पुराने हो जाते हैं। फिर उन कपड़ों का क्या करती हैं आप? वो आगे गरीबों में जाते हैं पहनने के लिए। जैसे गरीब लोग होते हैं वो महंगा कपड़ा खरीद नहीं सकते, वो 20 का 30 का 40 का खरीद के वो पहन लेते हैं। तो वो भी आपको मतलब उसका भी कुछ पैसा मिलता है आपको? हाँ, बस वही कपड़े बेच के वही बर्तन ले लेते हैं और उसमें ही हमारा गुजारा करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं आप ये काम? बचपन से ही कर रहे हैं, मान लो बचपन से कर रहे हैं। आपकी माँ भी यही करती हैं? माँ बाप भी यही करते थे, ससुराल वाले भी यही करते, सब कुछ यही करते। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कुछ नहीं करते, अभी बच्चे घर पे हैं। अच्छा, क्या बनाना चाहेंगे अपने बच्चों को? बनाना तो बहुत कुछ चाहते हैं मैडम, मगर कुछ बना ही नहीं पाते, कुछ जुड़ता ही नहीं है तो कुछ बनाए। सरकार से क्या कहेंगे फिर? सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से कोई फ्लोट मिल जाए, कोई बच्चे की अच्छी शिक्षा मिल जाए, कोई अच्छा काम बच्चों को मिल जाए। अच्छा, हाँ वही चाहते। मोहल्ला क्लिनिक जाती हैं? मोहल्ला क्लिनिक मतलब? ये देखिए, हमने आपको एक रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीर दिखाई थी। यहाँ पर हमें एक आंटी मिली हैं जो जिनको मोहल्ला क्लिनिक का मतलब नहीं पता है। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के लिए फ्री क्लिनिक चलवाई है, जहाँ पर आप जाकर अपना इलाज करवा सकती हैं। आपके एरिया में नहीं सुना आपने मोहल्ला क्लिनिक? अच्छा अच्छा, हाँ इलाज फ्री कहीं नहीं, सरकारी में इलाज है और कहीं नहीं इलाज है। आपके एरिया में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? नहीं है। आपके एरिया में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? है, सरकारी है ना, सरकारी है। अच्छा, वैसा नहीं है। समझ गए। तो फिर वोट देने जाएंगे आप? हाँ, यहीं पर जाती है वोट डालने? हाँ। तो कौन खड़ा है यहाँ से, आपको कुछ पता है? नहीं, अपनी वही जहाँ पर हमारा गुजराती मोहल्ला है वहाँ मोहल्ले में गुजराती में वहीं डालते हैं वोट। तो फिर कौन खड़ा है यहाँ से? यहाँ से मतलब अच्छा, ये मोदी की तरफ से डालते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, आप देख पाएंगे कि धूल जो है एकदम अंधाधुंध की तरह उड़ रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रोड जो है वो पूरी खुदी पड़ी है। एक मेट्रो स्टेशन है जो विकास अधीन है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि 2024 में जिस पार्टी की भी सरकार आती है यहाँ पर, जिस पार्टी का भी सांसद बनता है, वो वजीराबाद के लिए कितना काम करता है और कितना नहीं। कैमरा पर्सन अंकुर यादव के साथ आयुषी मोदी, दिल्ली।